हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑन चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइस, आज हम इस वीडियो में डॉनचिन चैनल इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, इस इंडिकेटर की यहाँ पर कुछ थियरी है जो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इनको रिचर्ड डॉनचिन ने आइडेंटिफाई किया था। गाइस, इनकी इतनी संपत्ति है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सारी जो पैसा है, इन्होंने एक यही इंडिकेटर है डॉनचिन चैनल जहाँ से उन्होंने जनरेट किया था। तो ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काम का इंडिकेटर है। आप मार्केट में जितने भी इंडिकेटर को जानते हो और यूज़ करते हैं, सभी इंडिकेटर में एक प्रॉब्लम होता है जो कि इंडिकेटर लेट आपको सिग्नल देता है। जब सिग्नल देता है तब तो चार्ट के ऊपर आधी मोमेंटम तो ख़त्म ही हो जाती है, तो आपकी लेट एंट्री होती है। लेकिन ये इंडिकेटर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इससे अलग इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर आपको एग्जैक्टली वही पे सिग्नल देता है जहाँ पर आपको बाय करने का है। तो यहाँ पर इनका कुछ कैलकुलेशन दिया गया है। इनका कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर पीरियड में हमें 20 दिया जाता है, जो कि एक मंथ के जो ट्रेडिंग डे होते हैं 20, तो हमें 20 डेज लेने का है। और 20 डे में सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट हुआ है, शेयर ने जो किसी भी शेयर है उन्होंने हाई लगाया है, इनको बोलते हैं हम अपर बैंड। और जो इसी शेयर में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इनको बोलते हैं लोअर बैंड। और ये दोनों का बीच का जो एरिया होता है इनको हम बोलते हैं मिडल चैनल। यानी कि हम यहाँ पर बात करें तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे किसी भी स्टॉक है, इन्होंने 120 का हाई लगाया और लो लगाया 100 का, तो इनका अपर बैंड बनेगा वो 120 का बनेगा, लोअर बैंड बनेगा वो 100 का बनेगा, और जो मिडल बैंड होगा दोनों की एवरेज यानी कि 110, ये इनका मिडल बैंड होगा। गाइस, इससे पहले हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर ही समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आ गए सीधे चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंडिकेटर को लगा लिया है। इंडिकेटर को लगाने की सिंपल प्रोसेस है, ऊपर आपको स्टडी दिख रहा है, वो स्टडी में जाने का, जैसे आप क्लिक करोगे डॉनचिन चैनल तो ये इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है, इनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो पीरियड है हमें 20 दिया गया है, वो हमें 20 ही रखने का है। हाई पीरियड 20 है, लो पीरियड भी 20 है, इसके साथ हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का है। इसके बाद नीचे जो भी सेटिंग दिया गया है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रखने का है। तो यहाँ पर इनका सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमने पहले समझ लिया है। तो हम सीधे चार्ट के ऊपर जाते हैं कि इंडिकेटर दिखता कैसे है। तो गाइस, हम यहाँ पर आ गए एशियन पेंट कंपनी के चार्ट के ऊपर और हमने इंडिकेटर को लगा लिया है। ये इंडिकेटर दिखने में तो बॉलिंजर बैंड के जैसा ही दिखता है, लेकिन जो बॉलिंजर बैंड है इनके ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर है। देखिए, इस इंडिकेटर में क्या होता है कि जैसे ही जो 20 जो हमारा 20 पीरियड है इसके जो हाई पॉइंट है वहाँ पर शेयर आता है तो उनको बाय करना ही क्या है। जैसे ही ये 20 पॉइंट को टच करता है, आप देख पा रहे हो कि एशियन पेंट के चार्ट है उसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने सिग्नल दिया था बाय का सिग्नल। और इसके बाद जब तक ये 20 पीरियड के ऊपर चलता है इनको टच करके, तब तक हमें इस शेयर में बने रहने का है। हम अगर देखिए यहाँ पर बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस लगता, ये हमारा जो मिडल बैंड है यहाँ पर उसके नीचे या तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी ये इंडिकेटर बहुत ही हमें हेल्प करता है। इसके बाद शेयर जब तक ऊपर चलता है तब तक ये जो हमारी मिडल बैंड है उसके साथ साथ हमें हमारे स्टॉप लॉस है इनको भी ट्रेलिंग करते रहने का है। और जब तक इनका ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक आप देखिए यहाँ पर हम अगर बाय करते तो ये प्राइस हमें दिख रहा है 2800 के आसपास, और यहाँ से बाय किया होता तो आप देख सकते हैं शेयर यहाँ पर 3500 पे गए। लेकिन इस इंडिकेटर को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम निकल जाते हैं जो कि 3400 के आसपास है। तो कुछ ही टाइम में हमें एक ही महीने में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता था। तो इस इंडिकेटर का यही मतलब है कि जैसे ही हमारा जो हाई पॉइंट है इनको टच करता है तो यहाँ पर हमें बाय करने का है। हमारा मिडल बैंड है
यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाने का है, और जब तक ये शेयर ऊपर की ओर चलता जाता है तब तक हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है इनको ट्रेलिंग करते रहने का है यहाँ से। और जैसे ही इनको क्रॉस ओवर करके नीचे आ जाए या तो उनको टच करे तो यहाँ पर आपको निकल जाने का है। गाइस ये कमाल का बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फैन आउट।